wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. पहुंच गए चर्च पे, बट चर्च भी भाई बंद है अब. पता नहीं मंदिर तो खुल गया था, चर्च खुलता ही नहीं खुलता, कहना मुश्किल है. कोविड की वजह से बंद हो. बहुत सुंदर बना हुआ है बाहर से तो यार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार. गाइस देखो अल्टीमेट क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त. हम यहाँ ऐसे इंजॉय कर रहे थे. आपने सुबह थोड़ी देर पहले का वेदर देखा, इतनी जबरदस्त धूप निकल रही थी और वेदर बिल्कुल चेंज हो गया यार दोस्त. अब क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल. हो सकता है कि कैमरे में कैप्चर होती है नहीं होती, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा. ये देखो पूरा ही नज़ारा चेंज हो गया यार पूरा. ये देखो क्या बादल आ गए एकदम एक्सट्रीम. ओहो ये है पहाड़ों का, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है. यहाँ पर कब कुछ नहीं पता. एक घंटे पहले धूप निकली हुई थी इतनी अच्छी और अब स्नो पड़ रही है. मज़ेदार, दिल खुश हो गया यार, बहुत इंजॉय करा. और होप सो आपने भी बहुत इंजॉय करा होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. अपने सभी दोस्तों को भेजें कि भाई गुलमर्ग में कितना मज़ा है. सो गाइस अब हम अपने होटल जा रहे हैं, वहाँ से अपना लगेज उठाएंगे और अब यहाँ से वापस हम श्रीनगर के लिए जाएंगे. श्रीनगर के लिए यहाँ से शेयर टैक्सी मिलती है जिसमें टिनमर्ग तक जाता है, टिनमर्ग से फिर दोबारा शेयर टैक्सी मिल जाती है. देखो इस पूरे उस ट्रिप में आप अपना ट्रिप बजट प्लान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट टैक्सी करके ही आना है. अगर वैसे आ सकते हो आपकी इच्छा है, अदरवाइज़ आप शेयर टैक्सी से भी आ सकते हो. और अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए, यहाँ पर नीचे आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दिखाई दे रहा है, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं. आप मेरे को लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आना है तो किस किस तरीके से आना है. मैं आपको सब चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा. वहाँ आप अपने कमेंट्स भेजिए, कोई भी हेल्प चाहिए होगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. अब ये कानवा जा रहा है, अब ये निकल जाए तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. तकरीबन 10 से 12 ट्रक्स. हम पहुंच गए टनमर्ग. अब टनमर्ग से हमने दूसरी शेयर टैक्सी ले ली है और जो हमारे को आगे श्रीनगर बस स्टैंड तक छोड़ देंगे. गुड इवनिंग दोस्तों, पहुंच गए हम अपने होटल्स. अभी 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और हम अपने होटल पहुंच चुके हैं. हाँ सामने अपनी गाड़ी लगी हुई है, इसको यहीं छोड़ दिया था. हम आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हो, कम बजट में इंजॉय कर सकते हो और हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर और इन्जॉय कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं, होप सो अच्छे होंगे. आज हम श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में अब हम जा रहे हैं डल लेक घूमने के लिए. और हमने अपनी गाड़ी को अभी नहीं निकाला है, गाड़ी हमने यहीं खड़ी कर दी है. होटल की गाड़ी है जो हमारे को डल लेक वगैरह आसपास का जो भी जगहें हैं वो घुमाएगी और वापस फिर हम यहाँ आएँगे. और उसके बाद हो सकता है कहीं और जाएं, तो दिखाते हैं आपको यहाँ करके अच्छे अच्छे नज़ारे. डल लेक लेके चलेंगे और भी जो और जगह होंगी वहाँ पर भी लेके चलेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में. दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं डल लेक. डल लेक पीछे जस्ट इसके पीछे ही है बैक साइड में और वो जीरो पॉइंट है. और
अभी हमने कुछ ब्रेकफास्ट करना था और यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर वेजिटेरियन खाना चाहता है 100% प्योर वेजिटेरियन, तो यहाँ पर मदन ढाबा है और इधर साथ में ये यादव वैष्णो ढाबा के नाम से भी है। दोस्तों हमने ऑर्डर करा था आलू के परांठे हैं और पनीर के परांठे हैं और हमारे परांठे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, डिलीशियस देखने में तंदूरी परांठे। आपको एक बार परांठों की शिकल दिखाते हैं। हमारे भाइयों को सब्र नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं आपको परांठे दिखाएं कितने अच्छे लग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आगे फटाफट स्टार्ट करो। ठीक है ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतना प्यारा लग रहा है यार, अब हम बैठ गए हैं शिकारा पे और यहाँ से डल लेक का जो मज़ा है ना वो अल्टीमेट है। और यहाँ आए हो ना तो शिकारा पे ज़रूर घूमो। और अभी हम जो शिकारा पे बैठे हैं जिसको चला रहे हैं हमारे शाहिद भाई, और ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे से बातचीत करी, बातचीत करने से पसंद आया हमको इनका नेचर, तो हमने कहा चलो यार इनके साथ ही चलते हैं। ऑप्शन तो बहुत सारे थे बट शाहिद भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब शाहिद भाई हमारे को यहाँ पर अच्छे से सब घुमाएंगे और हम भी आपको अपनी वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो सामने वो बर्फ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये बनी हुई है हाउस बोट्स। यहाँ पे हाउस बोट्स पे आप अपना फुल नाइट के लिए जा सकते हो, रह सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ से हो गया आपका स्टार्टिंग है डल झील, इस लेक का नाम है सर गोल्डन लेक, यहाँ का फेमस हाउस बोट है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड में सर, किधर उधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ना, सुपर डेलक्स हाउस बोट है सर। ये रात को पूरा गोल्डन पानी दिख रहा है, इसमें रूम का रेंट है 3500 पर नाइट। अच्छा 3500 रुपए के आसपास पर नाइट का है। और ये पूरा हाउस बोट बना हुआ है गाइस, ये इस तरफ भी है सर और राइट हैंड साइड पे भी है, दोनों तरफ ये हाउस बोट्स बने हुए हैं। और इस लेक को कहते हैं गोल्डन लेक, गोल्डन लेक। जो फ्लोटिंग मार्केट देख लो, यहाँ पर अलग अलग तरीके की सारी चीजें बनी हुई हैं। किचन देख 30 रुपये का एक, खाली 30 रुपीज पर द पीस। सो दोस्तों आपको शिकारा का नज़ारा दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं बर्फ़ के, और फिलहाल हम शिकारा के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। इस तरफ देख रहे हैं ये हाउस बोट बनी हुई है, इधर लेफ्ट में भी हाउस बोट्स हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, राइट में साइड में आप देख सकते हैं हाउस बोट्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 3,000-3,500 रुपये में आपको कपल्स के लिए मिल जाता है, आप थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है सारा कुछ सीज़न के ऊपर। अगर सीज़न ज़्यादा है मतलब मेन सीज़न में आएंगे तो आपको वही चीज़ 4,000-5,000 में मिलेगी, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको 2,000 रुपये में भी मिल सकती है। सारा कुछ डिपेंड करता है सीज़न पे, क्योंकि सारा कुछ इनका जो बिज़नेस है वो कुछ टाइम तक के लिए चलता है और बाकी सब ऑफ सीज़न में बहुत लिमिटेड ही लोग आते हैं। अभी फ़िलहाल ऑफ सीज़न चल रहा है तो हमारे को हर चीज़ चीपेस्ट मिल रही है। तो आप शिकारा का भी सिस्टम अलग अलग है, आपको यहाँ पर जो शिकारा का चार्जेस है 2,000-2,500-3,000-4,000 तक भी शिकारा का चार्जेस मिलेगा, सारा कुछ आपको डिपेंड करता है उसके ऊपर। यहाँ बीच बीच में इस तरीके के चलते फिरते बाजार हैं, वुडन से बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ खाना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस शिकारा के ऊपर ही मिलते हैं। ये देखिए ऐसा है वुडन, ये वुडन की बनी हुई बास्केट है, इसको ऐसे कर देंगे ऐसे ना, ऐसा ये देखिए पूरा फोल्ड हो गया और ऐसे खोलेंगे तो पूरा पूरी बास्केट बन गई। फ्रूट का लकड़ी का बत्ता है इधर, ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये भी पूरी फोल्ड हो जाती है ऐसे,
ऐसे करके, क्या बात है, हमने उल्टा घुमा दिया था। ऐसा कश्मीर का है त्रुट। ये कितने का है सर? 1100 रुपये। ये 1100 रुपये के आसपास है, बाकी आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कश्मीर का शिकारा। ये कितने का सर? 120। रेट से आप थोड़ा बहुत बार्गिन कर सकते हैं, लगा देंगे हमारे भाई साहब ये सर। अच्छा घड़ी भी है, अजंता वाला, अजंता का घड़ी, क्या बात है। फोल्डिंग है, फोल्ड हो जाती है पूरी की पूरी इस तरीके से और खुल जाती है, देख रहे हैं गाइस। ये कितने का है? 1500 रुपये का है ये। मतलब छोटा आइटम भी है, बड़ा आइटम भी है, अगर आप अपनी मेमोरीज के लिए ले जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए, ये बंद हो जाती है और इस तरीके से खुल जाती है। इसके अंदर आप बिस्किट्स, नमकीन या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया है। अलग अलग प्राइजेस हैं, इसका प्राइस कितना बताया आपने? मैंने बताया 500 रुपये में भेजे। ठीक, अच्छा वैसे ये अभी हमारे को इन्होंने 500 रुपये में दी है, लेकिन नॉर्मली ये 800-1000 रुपये में बेचते हैं, लेकिन हमारा को इन्होंने प्यार से हमारा चैनल का, हमने बताया कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है और हम आपका डिटेल डालेंगे, तो इन्होंने हमारे को 500 में लगाया है ये। गाइस अच्छा ये लेना, यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग के लिए कोई कहीं नहीं रोकता, वो तो आपका हक बनता है। कहीं भी जाए बार्गेनिंग जरूर करें, बिना बार्गेनिंग के कोई चीज़ नहीं खरीदीजिए, क्योंकि इन भाई लोगों का भी काम है और बार्गेनिंग करना हम सब लोगों का हक है।